हेलो फ्रेंड्स, कविता हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चना सुक्का विद रोस्टेड मसाला एंड विद कोकोनट। दिस डिश इज प्रिपेयर्ड एट मैंगलोर अलॉन्ग विद द अदर डिश ऑन मुंदी फेस्ट दैट नोवेंबर 1। ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज सोने सुके कडले गसी। बिना टोमेटो का रेसिपी आज हम बनाएंगे। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे बता दीजिए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ मैंने काले चने का सब्जी बनाने के लिए 250 ग्राम काला चना लिया है, 1 टेबलस्पून नमक और एक मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम प्रेशर कुकर में डाल के 5-6 विसल आने तक पकाएंगे। यहाँ सिर्फ 1 कप या 2 कप पानी डालेंगे, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तब तक हम मसाला रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ 6-7 लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 10 से 15 तक काली मिर्च और एक बारीक कटा हुआ प्याज, 3-4 लहसुन, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और एक छोटा सा पोर्शन ऑफ इमली दैट इज टैमरिन लिया है। लो फ्लेम में ये सब इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे। अब हम लहसुन और प्याज को रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ तेल डाला है, इट्स एन ऑप्शनल। प्याज और लहसुन भी मिक्सर में ऐड कर लेंगे। इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और छोटा सा पोर्शन ऑफ टैमरिन दैट इज इमली और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पेस्ट बनाएंगे। यहाँ हमारा मसाला पेस्ट भी तैयार हुआ है, एज वेल एज मैंने 1 कप ग्रेटेड कोकोनट रखा था। इस कोकोनट को उसी मिक्सचर जार में एक दरदरा से पीस लेंगे। इट इज़ 1 राउंड ओनली। दिस गिव्स अ गुड टेक्स्चर फॉर द करी इंस्टेड ऑफ एडिंग डायरेक्टली द रॉ कोकोनट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग करी। यहाँ मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाला है और उसे अच्छे से सॉर्ट करेंगे। याद रहे मैंने इधर टोटल तो 3 ही प्याज लिया है पूरा करी बनाने के लिए। इसे हम अच्छे से सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे बॉयल किया हुआ चना। मीडियम फ्लेम में रख के इसको एक उबाल आने दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे हमने बनाया हुआ मसाला पेस्ट और इसे डाल के अच्छे से मिलाएंगे। एंड लेट्स कीप 1 बॉयल ऑन अ हाई फ्लेम। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और उसी के साथ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जैगरी गुड़, वो हम मिलाएंगे। बींग इट इज़ अ ट्रेडिशनल रेसिपी सो हम इसको इस रेसिपी को डालते हैं, एज वेल एज ग्रेटेड कोकोनट। वो मिक्स मसाला में मिक्स किया हुआ कोकोनट है वो डाल के हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। हाई फ्लेम में इसको एक उबाल आने तक रखेंगे। चलते हैं लास्ट और फाइनल प्रोसेस में। मैंने यहाँ तड़का पैन लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल के 1/2 टीस्पून मस्टर्ड डाला है, एज वेल एज क्रश किया हुआ लहसुन और 3-4 करी लीव्स डाल के इसे अच्छे सीजनिंग करेंगे। दिस तड़का गिव्स अ गुड अरोमा। इसे हम मिलाएंगे हमारा करी में और इसे डालने के बाद एक उबाल आने दीजिए और इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको सर्व करेंगे। आर डिलीशियस चना करी इज़ रेडी टू सर्व। प्लीज़ गिव अ ट्राई टू दिस रेसिपी फॉर द अपकमिंग फेस्ट एंड अपडेट मी विद योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई रहेगी। ज़रूर इसे ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो और यूज़फुल हुआ तो प्लीज़ डू लाइक एंड आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एज आई नीड टू ग्रो लॉन्गर एंड लॉन्गर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। कुक एंड बेक विद कविता। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।